हेलो गाइस, अभी मैं आपको तीन ऐसे स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। और इतना याद रखेगा, हर गिरावट में, मतलब स्टॉक का प्राइस जब भी गिरता है तो आप बेहतरीन खरीदारी कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत दमदार प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और जिस सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो बोनस, डिविडेंड सब कुछ देती है। वो आपको बिलीव नहीं होगा, वो पूरे सेक्टर में। अभी देखिए, मान लेते हैं एक एग्जांपल, ऑटो सेक्टर, ठीक है। अब ऑटो सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक हैं जो मल्टीबैगर बन चुके हैं, बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक हैं और बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक हैं जिन्होंने लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिया। मतलब ऊपर तो गया, ऊपर जाने के बाद फिर वो आज के डेट में पूरा नीचे आ चुका है। क्यों? क्योंकि ऑटो स्टॉक में, अगर ऑटो सेक्टर में अगर आप देखोगे तो उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है अभी के हिसाब से। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको बोनस अभी भी दिया जा रहा है, डिविडेंड अभी भी दिया जा रहा है, वो भी ज़बरदस्त। और अभी COVID-19 की वजह से आप देखोगे पूरा मार्केट क्रैश हो चुका है, शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है। लगभग 50% की गिरावट आपको सारे स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको 1% की भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, और आज वो एक नए हाइस्ट बनाने जा रहा है। देखिए, COVID-19 ऐसे स्टॉक का प्राइस था, जब COVID-19 आया तो ऐसे चल रहा था स्टॉक, मतलब यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिला। लेकिन आज की डेट में ये स्टॉक जो है नया हाइस्ट बनाने के लिए तैयार है, मतलब ये जो पहले वाला लेवल था उसको भी तोड़ रहा। पूरे सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है उसमें। जैसे अगर हम पहले स्टॉक पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है केवल 624 रुपीज़ के आसपास है, और इसने जो हाईएस्ट लगाया था 640 रुपीज़ के आसपास हाईएस्ट लगाया था, और स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा आया है। अगर हम रिज़ल्ट नीचे देखते हैं, देखिए रिज़ल्ट इसका आया है आज। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, लगभग एक दिन पहले यहाँ पर रिजल्ट आया है। HCL टेक्नोलॉजी Q1 का यहाँ पर रिजल्ट आया है, प्रॉफिट जंप 32% के आसपास। और यही नहीं, पूरे IT सेक्टर में आपको दमदार प्रॉफिट देखने को मिली है। अब यहाँ पर देख सकते हैं IT सेक्टर में यहाँ पर कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को मिला। अभी जो स्टॉक का प्राइस है लगभग आपको 600 रुपीज़ के आसपास मिला, ठीक है। HCL टेक्नोलॉजी, अभी इसका अगर मैं आपको पूरा चार्ट दिखा दूंगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ऐसी कंपनी में अगर हम निवेश करेंगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखिए, ये स्टॉक ऐसे ऐसे तो नहीं चलता, मतलब कि बहुत ऊपर लेके नहीं जाएगा फिर नहीं पटकेगा। ये स्टॉक बहुत आराम से चलता है, मतलब बहुत धीरे से चलता है, लेकिन आपको बहुत बेहतरीन और अच्छा रिटर्न भी निकाल के देगा। ये स्टॉक ने जब भी बोनस दिया है 1:1 का बोनस दिया है, मतलब कि हाई क्वालिटी का बोनस दिया है आप लोगों को। अभी देखिए, ये स्टॉक का जो रुकिए मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए, केवल 3 घंटे पहले यहां पर न्यूज़ आया और बताया जा रहा है कि यहां देख सकते हैं बाय HCL टेक्नोलॉजी टारगेट प्राइस जो 750 रुपीज़ का यहां पर दिया जा रहा है, 750 रुपीज़ का इसका टारगेट दिया जा रहा है। और अभी जो इसका स्टॉक का प्राइस है केवल 624 रुपीज़ के आसपास है। जो वो टारगेट दिया जा रहा है वो लंबे समय, पूरे साल के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए है, उस हिसाब से आप देखिए। और HCL टेक को लगभग जो मैंने 570 रुपीज़ पे मैंने आपको बोला था खरीदने के लिए, और हमने सभी लोगों को खरीदने के लिए भी दिया है। अब इस स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। अभी हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम क्या देखेंगे, अर्निंग पर शेयर आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपको अर्निंग पर शेयर नहीं पता है तो आप मार्केट में कैसे काम करोगे। सपोज अगर एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक है, अगर आप वहाँ पर आप फिक्स डिपॉजिट करवाने जा रहे हो और आपको यही नहीं पता है कि आपको कितना रिटर्न निकाल के देगा, मतलब कितना परसेंट का वो रिटर्न देता है, 7% का देगा, 6% का देगा, फिक्स डिपॉजिट पे कितना रिटर्न देगा, अगर आपको यही नहीं पता है और आप जा रहे हो बैंक में फिक्स डिपॉजिट के पर्पज से, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सबसे पहले आपको फिक्स डिपॉजिट पर कितना रिटर्न मिलेगा वो भी तो आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप शेयर मार्केट में आया हो तो उतना वैल्यू इसको भी दिया जाता है अर्निंग पर शेयर का। अभी देखिए, यहाँ देख सकते हैं क्वार्टर टू में कितना था लगभग EPS कितना था बिटेन भाई, यहां देख सकते हैं लगभग 4 के आसपास था। Q3 में कितना हो गया, लगभग 5 हो गया, चलिए इंप्रूव हुआ। लेकिन Q4 में अगर हम देखते हैं, Q3 के बाद Q4 में, तो यहां देख सकते हैं 17 के पास हो चुका था, मतलब जितना एस्टिमेटेड किया गया था उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन उसके इससे रिलेटेड अगर हम अभी देखते हैं Q1 का देखते हैं 21 के हिसाब से, तो कुछ खास नहीं है, ठीक है, इसके हिसाब से ये कुछ खास नहीं है। लेकिन ये बोलेंगे ये आउट परफॉर्म कर दिया गया था, अगर हम इसको कंसिडर करके हटा देते हैं, सपोज छोटा सा एग्जांपल, तो देखिए ये है 4, ये है 5, यहां पर मान लेते हैं अगर 6 भी आता है तो यहां पर 7, जो भी है कंपनी अभी भी इंप्रूव कर रहा है और ग्रो कर रहा है, गिरावट की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं बोनस की बात करते हैं, देखिए सॉरी पहले डिविडेंड देख लेते हैं। डिविडेंड अभी कंपनी का नाम यहां पर आपको शो हो रहा है, ठीक है, अगर हम डिविडेंड देख लेते हैं तो डिविडेंड यहां पर देख लेते हैं 2019 में लगभग जो 3 बार के आसपास यहां पर आपको बताया जा रहा है 100 100 100 का, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है अगर 3 बार आपको दिया जा रहा है उस हिसाब से। लेकिन अगर 2020 में देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं एक ही बार दिया गया है, वो भी लगभग 100 के आसपास। लेकिन अभी जुलाई में दिखाया जा रहा है, 23 जुलाई को आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आपको हो सकता है कि डिविडेंड आपको अनाउंस करेगा देगा, तो अभी यहाँ पर नहीं दिया गया,
तो ये मौका हमारे पास है। और जो कंपनी इतना ज़्यादा अगर आपको डिविडेंड बोनस दे रही है तो भाई अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं बोनस के बारे में, ठीक है, बोनस के बारे में भी देख लेते हैं। तो फिलहाल में ही ये कंपनी ने बोनस भी दिया था, देखिए 2015 में दिया था और उसके बाद 2019 में दिया था। और जब भी कंपनी बोनस देती है ना तो यहाँ पर देख सकते हैं 1:1 का बोनस देती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी को दिया जाता है बोनस के मामले में। और कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा भी दी है। अगर आप देखना चाहो तो पहले कितना था, एक मिनट, ये टोटल में अगर देख लो तो पहले 2018, यहाँ आपको 19 बताया जा रहा है, ये दोनों 19 है और ये सिंगल जो है आपको 20 दिखाया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ देख लेते हैं तो 60% की हिस्सेदारी थी प्रमोटर्स की, लेकिन अगर हम मार्च में देख लेते हैं तो 60.33 के आसपास है। अगर 0.33 के मतलब सोच सकते हो कितना ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर होगा भाई, बहुत ज़्यादा उसका वैल्यूएशन होता है। लेकिन फिर भी चाहे जो भी हो, प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है, कोई तकलीफ की बात है क्या? नहीं है। और देखिए उसके बाद जो नंबर आता है विप्रो का, देखिए विप्रो के बारे में मैंने आपको बताया था लगभग 220 के आसपास बताया था, उसके बाद से इसमें जो है 15% या 17% का आपको जंप भी देखने को मिला था आने वाले दो तीन दिन के बाद में ही देखने को मिला था। अब क्या हुआ कि देखिए इसमें थोड़ी बहुत आपको गिरावट मतलब रेड मार्क देखने को मिला तो लोग थोड़ा डर चुके हैं। तो मैं बोलने वाला हूँ विप्रो में अभी भी उतना ही दम है जितना 15% जो आपको दिखने को उस दिन आपको जंप देखने को मिला था। ये जो आपको जंप देखने को मिला है, ये जो आपको जंप देखने को मिला उतना ही दम है अभी भी जो जंप से पहले था और जंप के बाद भी देखोगे। तो अगर आप विप्रो के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि विप्रो में आप देख सकते हैं केवल 2 दिन पहले ये खबर आई है कि 500 इंप्लॉय को ये वापस ला चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं इन्फोसिस, विप्रो, TCS, मतलब ये इतने अच्छे स्टॉक है। देखिए आप इन्फोसिस को ले लो, विप्रो को ले लो, TCS को ले लो। विप्रो TCS को अगर ज़्यादा फोकस करते हैं तो ये वो स्टॉक है जो आपको बोनस डिविडेंड भी देते हैं। और IT सेक्टर के लगभग सारे नहीं लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे, अगर हम देखोगे 70% ऐसे स्टॉक हैं जो आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं 70%। हाँ 30% कुछ ऐसे भी कंपनी होती हैं जिनमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है। अब देखिए कंपटीशन तो हर जगह होता है, अगर 100% मान लेते हैं कि 100% सारे कंपनी आपको प्रॉफिट ही देना स्टार्ट कर देंगे तो फिर कंपटीशन का क्या फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसमें अभी और भी अपसाइड देखने को पोटेंशियल मिल रहा है, कहाँ पर? आईटी सेक्टर में। और यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है विप्रो का जो जून का क्वार्टर रिजल्ट आया था वो बहुत अच्छा आया था, वहाँ देख सकते हैं जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे अच्छा आया था, मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेड, जो सही है। वो विप्रो कभी भी गलत नहीं करता, विप्रो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करके आपको दिखाता है। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो विप्रो के बारे में पूछेगा, वो भी डिविडेंड और बोनस के बारे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विप्रो ने जितना बोनस दिया है ये मतलब बहुत ज़्यादा दिया, इतना शेयर मार्केट में शायद ही कोई किसी कंपनी ने आपको बोनस दिया होगा। और लगभग देख सकते हो केवल 200 यहाँ पर देख सकते हो लगभग 260 रुपीज़ का स्टॉक आपको अरबपति बना दिया, पता भी नहीं चला। तो ऐसे स्टॉक पर फोकस कीजिए जहाँ पर आपको बोनस मिलने वाला हो। अभी देखिए विप्रो का जो स्टॉक का प्राइस है लगभग अगर ये 20 रुपीज़ में भी स्टार्ट हुआ होगा तो आज के डेट में 260 रुपीज़ का कितना ज़्यादा आपका पैसा हो सकता था, 20 मल्टीप्लाई हो सकता था, 20 गुना आपका पैसा हो जाता। लेकिन अरबों खरबों में खेल रहे हैं, जो 10,000 रुपीज़ भी अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो वो करोड़ों में खेल रहे हैं, सोचिए। तो सारा क्रेडिट जो जाता है वो बोनस के आता है। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि भाई कोई भी कंपनी अगर बोनस देती है तो उसका क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर बोनस देती है तो उसका क्या होता है, शेयर का प्राइस आधा हो जाता है, मतलब हाफ हो जाता है। तो मैं बोलूंगा हाफ हो जाता है, लेकिन हाफ क्यों होता है इसको भी हमें समझने वाली चीज़ है। अगर बोनस के मतलब देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो किसी को गलत मत बोलिए, इंटरनेट में जाइए और उसके बारे में जानकारी लीजिए, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं लाइव एग्जांपल आपके सामने है, केवल 260 रुपीज़ का स्टॉक किसी को करोड़पति कैसे बना सकता है, इम्पॉसिबल, बिना बोनस का तो ये कर ही नहीं सकता। बोनस का पावर आपको पता होना चाहिए। उसके जो बात है वो है एम्पेसिस। देखिए अगर हम चाहें तो इसके जगह में हम इन्फोसिस को भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इन्फोसिस भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन इन्फोसिस क्या है, इसका जो टारगेट दिया जा रहा है इन्फोसिस का, आप भी अभी देखोगे तो लगभग ये 900 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और इसका जो टारगेट दिया जा रहा है 1000 के आसपास दिया जा रहा है। तो अभी इसमें उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा इन्फोसिस अच्छा स्टॉक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, इन्फोसिस भी अच्छा स्टॉक है, लेकिन हम वहाँ पर फोकस करेंगे जहाँ पर हमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा, ठीक है। उसी तरीके से हम एम्फेसिस पर फोकस करेंगे। देखिए ये स्टॉक जो जिस दिन आपको इन्फोसिस में 10% की आपको तेजी देखने को मिली थी, लगभग 10% की आपको तेजी देखने को मिली थी, सेम तेजी यहां पर भी आपको देखने को मिला था 10% की, सेम स्टॉक में यहां पर भी आपको देखने को मिला था। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, यहां पर देखिए 1000 अभी जो लास्ट वर्किंग डे में देखिए तो स्टॉक ने लगभग कहां तक गया था, हाईएस्ट गया था 1052 के आसपास। और ये स्टॉक में कभी भी गिरावट नहीं होता, हाँ जब भी गिरावट होता है तो आपको खरीदारी करना है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं इसका हाई,
ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक कहाँ से शुरू हुआ था, जीरो से, और आज देखिए धीरे धीरे आज के डेट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी देखिए स्टॉक कभी भी चलता है तो एक अप ट्रेंड में चलता है। इस स्टॉक के बारे में हालांकि मैंने दो बार बताया है, अभी देखिए जब पहली बार गिरावट आया था उसके बाद देखिए स्टॉक ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं इसलिए ये स्टॉक पर फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि इस स्टॉक में अभी भी गिरावट ही देखने को मिल रहा है। अभी देखिए ये जो गिरावट देखने को मिल रहा है, अभी देखिए रिकवर कर रहा है, लेकिन रिकवर करते हुए हमें स्टॉक को पकड़ना है। और स्टॉक अगर देखोगे तो फाइनेंशियली भी अच्छा है, टेक्निकली भी देखोगे, देखिए अगर मैं आपको टेक्निकली दिखाना चाहता हूं तो इसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू दिखाया जा रहा है लगभग 1500 के आसपास दिखाया जा रहा है, 1500 के आसपास दिखाया जा रहा है, मतलब कि ये अभी भी इंट्रेंसिक वैल्यू से काफी ज्यादा नीचे, काफी ज्यादा नीचे यार। बहुत सारे स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड चलते हैं, ओवर वैल्यूड मतलब जिनका इंट्रेंसिक वैल्यू है 1500, वो चल रहा है 3000 पे, वो चल रहा है 2000 पे, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू से ऊपर चलते हैं। और ये जो स्टॉक है इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे चलता है, मतलब ये स्टॉक में हमें ज्यादा नुकसान होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्टॉक में आपको सेफ्टी भी दी जाती है, और देखिए प्रॉफिट के मामले में स्टॉक भी काफी अच्छा है। जैसे आईटी परफॉर्म कर रहा है वो भी इसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यहां पर देख सकते हैं कंपनी के पास कैश भी बहुत अच्छा है और प्रॉफिट तो आप देख सकते हो कंपनी को काफी अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो मैं फोकस करना चाहूंगा, देखिए ये कंपनी भी बोनस देती है, ऐसी बात नहीं है बोनस नहीं देती, बोनस देती है, डिविडेंड भी देती है। तो ये जितने भी मैंने आपको स्टॉक बताए ये अच्छे वाले स्टॉक थे जहां लंबे समय में आपको, और देखिए आईटी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो आपको बेनिफिट ही देखते हुए नजर आएंगे, प्रॉफिट ही देते हुए नजर आएंगे। और देखिए ऑटो सेक्टर देखिए, बैंकिंग सेक्टर देखिए, या कुछ और भी अगर आप देख लीजिए, स्टील में देख लीजिए, स्टील में भी अगर देख लेते हो तो कुछ ऐसे स्टॉक नहीं है जो अभी तक भी वो अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी किसी भी स्टॉक को देख ले तो सब गिरावट में देखने को मिल रहा, लेकिन यही जो आईटी सेक्टर है आपको ज़्यादातर बेनिफिट देखने को मिल रहा और ये आने वाले दिनों में भी आपको ऊपर जाते हुए ही नजर आएगा। देखिए जब COVID-19 आया तो कुछ नहीं कर पाया ये सारे स्टॉक का। अभी देखिए ये भी स्टॉक जो है मैंने आपको दिखाया, विप्रो तो ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, उसकी तो कोई बात नहीं है। और जो मैंने आपको दिखाया HCL टेक दिखाया, वो भी ऊपर चल रहा है। और ये देखिए ये स्टॉक भी देखिए धीरे धीरे ऊपर ही आने वाला, तो इसलिए मैं बोला आपको फोकस करने के लिए। तो आप ऐसे अच्छे वाले स्टॉक पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। देखिए अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो और आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में खोल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखिए अगर आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करके दिया जा रहा है तो आप एक बार काम करके देखिए, अगर आपको सही लगता है तो काम कीजिए, अगर आपको गलत लगता है तो आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एंजल और जीरोधा जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये अच्छे वाले प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ रहता है। और ऊपर से यहाँ पर देख सकते हैं आपको ग्रुप में ऐड किया जाता है और बताया जाता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना। अभी देखिए बहुत सारे स्टॉक रहते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, ये स्टॉक खरीदना है, ये वाला, बहुत सारे आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन यहां पर आपको बताया जाएगा ये जो छोटा वाला स्टॉक है इस पर आप फोकस कीजिए, यहां पर आपको ज्यादातर बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आपको भी समझ में आएगा ये सारे स्टॉक में उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है जितना इसमें है। तो यहां पर आपको स्टॉप लॉस बताया जाएगा, टारगेट बताया जाएगा, तो आप सेफली जो है काम कीजिएगा और आपको बेनिफिट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा और डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री है, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा जैसे आपका डीमेट अकाउंट ओपन होगा। केवल 20 रुपीज़ आपसे लिया जाता है, वो भी इंट्राडे ट्रेड में जो हर जगह लिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।